गैस भरने के लिए एसी की बॉडी को हम ऊपर से खोल रहे हैं। एसी की पूरी बॉडी हमारी खुल गई है। आगे की तरफ जो पंखे वाली साइड है वो है इसका फ्रंट कूलिंग साइड, और ये बैक साइड है, बैक कूलिंग साइड। तो यहाँ से गैस भरने का प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये पूरा एसी खोल लिया है, और ये है गैस फिलिंग पॉइंट, जिसको ये यहीं तक, यहीं से गैस हमारी फिल होगी, जो कि इसमें R22 नंबर की गैस है, जो कि कॉमन गैस होती है। अब ये जो पॉइंट है गैस वाला, इसी पॉइंट से गैस ये लोग फिल करेंगे। और पहले जिस जगह पे इन्होंने एक कटर लगाया है, आप देख सकते हैं, इस कटर से ही पहले इस जगह पे इसको कट करेंगे। और ये लगभग 1-2 इंच का जो हिस्सा है जहाँ कटर लगा हुआ है बाहर का, ये कट के बाहर हो जाएगा। देखिए आप, गैस लगभग इसमें 1 किलो भरी जाती है, जिस तरीके से ये बता रहे हैं। और इसमें 100 ग्राम के आसपास की गैस है, और उसमें ये थोड़ा सा हवा निकलती है। अब ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये जो 1-2 इंच का हिस्सा है ये कट के बाहर हो जाएगा, और लगभग 100 ग्राम के आसपास इसमें गैस और हवा है, जो कि वो बाहर निकलेगा। और वो ये जो हिस्सा दिखा रहे हैं ये भी कॉपर का ही होता है, ये 35-40 रुपये का ये हिस्सा जो आगे का है वो कट जाएगा। और ये गैस भरने के बाद यहाँ पर कॉपर वेल्ड होने के बाद इसको फाइनली बंद कर देंगे। अब जिस तरीके से कटर इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है, ये इसको ऐसे राउंड अबाउट घुमा के, ये आप देख सकते हैं कि इस पार्ट को, यहाँ से गैस इस वक्त निकलनी स्टार्ट हो गई है, जो बची हुई है 100 ग्राम, ये बाहर हो गया कट के। अब जो बची हुई गैस है उसको पूरा निकालेंगे। ये देखो, इस पे लगा के दिखा रहे हैं कि इस जगह पे ये कॉपर वेल्ट कर दिया जाएगा, जो कि एसी में सारी की सारी जो गैस लीकेज की वजह से वेल्डिंग की जाती है, वो कॉपर वेल्डिंग की जाती है। ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ये जो गैस फिलिंग का काम होता है, आप अपने घर पे ही कराएं सेटिस्फैक्ट्री, और इस जगह से ही गैस डाली जाती है। इन्होंने वो हिस्सा काट के अलग कर दिया है, और अब इस जगह को वो रब करके, जैसे पंचर लगाते हैं, एक पंचर लगाने की टेक्निक होती है, उस ट्यूब के हिस्से को वो पंचर ढूंढ के उसको वो रेगमार से रब करते हैं, और फिर उसको यहाँ पर इसको ये इस टुकड़े को यहाँ पे वेल्ड कर देंगे। तो इन्हें इसको अच्छी तरह से रब कर दिया है, और ये अब इसको वेल्डिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि कॉपर वेल्डिंग है। ये सभी सामान इन लोग के पास मौजूद होता है, कॉपर वेल्डिंग का। अभी ये यहाँ से इसके हिस्से को वेल्ड करने जा रहे हैं। ये वेल्ड होते ही ये वाला हिस्सा अब इन्होंने यहाँ पे लगाने के लिए रख दिया है। उसको सामने से एक बंदे ने बैठ के प्लास से इसको पकड़ा, ताकि उस टुकड़े को सामने की तरफ से सपोर्ट मिल पाए। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट आपको दिखाया कि घर पर ही ये मैकेनिक्स आके गैस फिलिंग का, एसी गैस फिलिंग का टोटल वर्क करते हैं। और आप भी अपनी संतुष्टि के लिए अपने सामने ये करवा सकते हैं। अदरवाइज़ वो लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि ये ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे गैस फिलिंग होगी और वो रात भर चेकिंग होगी, तो वो कहने की बातें हैं। सब कुछ आपके सामने भी हो सकता है अगर आप चाहते हैं तो। देखिए, ये कॉपर वेल्डिंग हो गई है इस टुकड़े पे। ये जो सामने रखा हुआ है एयर फिलिंग, एयर प्रेशर है, जैसे कि एक फ्रिज का कंप्रेशर होता है, ये सही फ्रिज का कंप्रेशर है। इसी से ये लोग पहले 150 के माप पे, फिर 200 के माप पे, 250 के माप पे, और 400 के प्रेशर पे भी 3-4 बार आगे वाली जो एसी की कूलिंग कॉयल होती है और पीछे वाली कंडेंसर कॉयल, और सभी में मतलब दौड़ाएंगे ये 400 के प्रेशर पर, जो नॉर्मल एयर प्रेशर होता है 150 का एयर प्रेशर घूमता है इन कूलिंग कॉइल्स में, पर ये लोग 400 का एयर प्रेशर दौड़ाएंगे, ताकि जो भी लीकेज है वो सामने आ जाए। जैसे इन्होंने देखो यहाँ से ये पकड़ दी कि यहाँ पर ये लीकेज है, जहाँ पे इन्होंने ये नॉर्मली
हम लोग जब पंचर टेस्ट कराते हैं तो वो लोग सरफ से चेक करते हैं, जहाँ बुलबुले आ जाते हैं तो वो एक लीकेज का पॉइंट होता है। तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर ये कोने की जो कॉयल है यहाँ पर इन्होंने ये पकड़ा कि यहाँ पर ही लीकेज है, और इसका रीज़न भी इन्होंने बताया कि यहाँ पे तेल लीकेज है। इनका कहना होता है कि यहाँ पर इस पाइप्स के अंदर तेज तेल दौड़ रहा होता है, और वो जब अब गैस ख़त्म है, इन्होंने ये 400 के प्रेशर से उस पे चेक किया तो जहाँ से भी तेल निकलता हुआ इन्होंने महसूस किया वहाँ पर इन्होंने पकड़ लिया कि ये लीकेज है। अब ये आगे की कूलिंग कॉयल है। ये प्रेशर किस चीज़ का होता है? हवा 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 में एक तरफ जो खींचता है, एक तरफ जो खींचता है। ज्यादा कमजोर ये होता है। अच्छा, सारे पर ज्यादा यहाँ चांस होता है, इधर नहीं, इधर ज्यादा चांस होता है। पहले नंबर पे चांस यहाँ और पीछे वाले के दोनों में से पीछे बहुत कम, बहुत कम। रियल केस ज्यादा ये, तो ये नहीं, ये भी होता है पहले ये, उसके बाद ये। तो ये वाला जो काम जाना है ये कह रहे थे यहाँ है सर, हम वही कहते हैं। अभी परिसर जा रहे हैं, हम वहाँ वहाँ तो है। हाँ, वो कैसे पता? वहाँ पर तेल आ गया। अच्छा, तो सबसे पहले तुमने कहा था कि ये रहा। हाँ, तेल आ गया वहाँ। अच्छा, जहाँ होगा ना हाँ तेल आ गया। अब ये ना कहा तुम्हारी लाइन है, तुम कहा है ये तेल आ गया है। पंचर वाला कह रहा था ना तू कि पंचर जैसा चेक होता है। हाँ बोला ना कि यहाँ पर लीक है, तो एक ही एक ये है। ये यहाँ दिखाओ, उस साइड, उस साइड, उस साइड। अगर गैस 1 किलो होती है नहीं, प्रेशर तो मतलब मीटर के हिसाब से, जैसे अभी 200 होने वाला है, मैं पहला चेक किया था 100 पे, वहां धीरे धीरे निकलेगा, नहीं पता मैक्सिमम प्रेशर मैक्सिमम कितने में करते हैं। मैक्सिमम 200, 200 नहीं मतलब प्रेशर ना मिलेगा तो 400, 400 नहीं मिलेगा तब। गैस का प्रेशर होता है 150, 150 पर चलता है। फिर एक बार से फाइनली इसको नाइट्रोजन चेक करेगा। नहीं, अब हो गया, लीक नहीं मिलता तब। अगर लीक नहीं मिलता हाँ उसके बाद इसको उतार, तो एक लीक तो ये बाकी और कोई लीक अभी चेक करेंगे ना सर, थोड़ा प्रेशर बढ़ जाए ना, 200-250 हो जाए उसके बाद, उसका 200-250 प्रेशर हो जाए, 400 तक भी जा, 400 तक भी चले जाता। हाँ और ज़्यादा प्रेशर हो गया ना, काफ़ खूब हवा भरी, तो कहीं से हल्का भी होगा तो वो भी समझ ना आ जाएगा। नहीं, जहाँ से होगा ना वहाँ तेल आ जाएगा, वहाँ तेल आ जाएगा। लेके तो ढूंढना मेन है, क्योंकि तेल शायद इसकी पाइपों के अंदर रहता होगा ना, आप कंप्रेसर में तेल हाँ तो वो पाइपों में चलता होगा, इसके साथ में निकल जाता। और लीक है नहीं मेरे हिसाब से, तभी भी चेक करेंगे। अब हमने ये आगे की कूलिंग कॉइल खोली है, और यहाँ पर हम वही उसी तरीके से जैसे पंचर चेक होता है वो सरफ के घोल से चेक कर रहे हैं आगे वाली कूलिंग कॉइल की साइड, राइट साइड भी होती हैं जो ये कर्ल्स बने होते हैं, ऐसे ये गोल गोल सी बने होते हैं, तो ये सारे के सारे जॉइंट्स में कहीं भी लीक हो सकती है। ये राइट साइड भी आगे वाले कूलिंग कॉइल में, और ये लेफ्ट साइड भी। अब पहले ये राइट साइड पे कर रहे हैं चेक कि यहाँ पर कोई लीकेज तो नहीं है। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छा लगता है आप लोग लाइक करते हैं। सब्सक्राइब करिए प्लीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सबकी हेल्पफुल बन सके, क्योंकि इसके अंदर एक कंप्लीट तरीके से बताया गया है कि और दिखाया भी गया कि इसमें आप घर पे ही गैस फिलिंग वाला काम कैसे कर सकते हैं। आपको सब कुछ पता होगा ना तो भी आप जो बाहर के ये टेक्नीशियंस होते हैं उनके सामने आप बेवकूफ़ नहीं बन पाएंगे कि इसमें ये क्या है। ये फिल्टर के पास ही वेल्डिंग का काम चल रहा है, जो कॉपर वेल्डिंग इस फिल्टर के चारों तरफ से कर दी जाएगी, और उसी को रेक मार से क्लीन कर रहे हैं वेल्डिंग करने के बाद, क्योंकि कॉपर वेल्डिंग यहाँ पे हुई है वो लीकेज यहीं पकड़ी गई है, तो आगे पीछे चारों तरफ से उसको क्लोज कर रहे हैं। बार बार उसमें एयर प्रेशर डाल के देखा गया कि अब कहीं से तो नहीं रह गई, क्योंकि 2-3 बारी एक ही जगह को फिल करने में लग जाते हैं। तो अब ऊपर से जहाँ पे वो गैस डाली जाती है जो काट के हिस्सा में निकाला था, उसका कॉपर वेल्डिंग
टुकड़ा लगा दिया गया है और आगे से उसको जो मुंह है उसको डार्ट से बंद कर दिया गया है। यहीं यहीं पे जो होल होता है यहीं से आगे गैस फिलिंग होगी। उस टुकड़े के आगे का जो मुंह है उस पे वो डार्ट लगा दी गई है, आप देख सकते हैं। जिन्होंने वीडियो अब तक लाइक नहीं करी वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब इसके मुंह पे गैस फिलिंग का पाइप लगा दिया गया है जिससे अब R22 गैस हम इसमें फिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं पूरा सिस्टम, यहीं इसी हिस्से से गैस डाली जाती है और यहाँ हम उस जो फिल्टर है वहाँ पे हम वापस वेल्डिंग कर रहे हैं कॉपर की। इसी तरीके से आप भी वीडियो देख के पता लगा सकते हैं कि गैस डालने का पूरा प्रोसेस होता क्या है। ये मीटर है जिसमें ये लोग 1 किलो के आसपास की गैस इसमें डालते हैं 65 के प्रेशर पे। इन्होंने ये चेकिंग करके रख दिया है कि अब ये इसी जो फ्रिज का कंप्रेशर है, वर्किंग कंप्रेशर, इसके अंदर से फिर ये अब एक बार दोबारा से वो जो पीछे फिल्टर है वहाँ पर वेल्ड किया है और अब फिर दोबारा से एयर प्रेशर डाल के देखेंगे कि कहीं कोई लीकेज अब तो नहीं बचा। पहले ये 100 के प्रेशर पे, 150 का प्रेशर, फिर 250 का प्रेशर, फिर 400 के प्रेशर पर देखते हैं। ये गैस फिलिंग पॉइंट है जहाँ से गैस डाली जाती है और यहाँ पे भी एक बार देखा जा रहा है फाइनली कि यहाँ पर तो गैस लीकेज नहीं है। वही पानी में सर्फ डाल के देखते हैं कि कोई बुलबुले हो रहे नहीं हो रहे। यहाँ पे फाइनली चेक कर लिया गया। तो यहाँ पे ये आगे की फ्रंट कॉइल है जिसको पानी में सर्फ से ही चेक किया जा रहा है कि यहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं है। यही कॉइल के राइट साइड चेक हो रहा है, ऐसे ही इसके लेफ्ट साइड पे ये ऐसे सी सी बने हुए हैं, गोल गोल पाइप्स। ये सिल्वर पेंट है जो कि वेल्ड कॉपर वेल्ड होने के बाद इसके ऊपर डाला जाएगा। अब इन्होंने एसी रन किया है और एसी रन में ही गैस डाली जाती है। अभी आगे वाली कूलिंग कॉइल पे लीकेज चेक करने के बाद हमने एसी को रन कर दिया है, मतलब अब आगे वाली कूलिंग कॉइल की दोनों साइड्स पे चेक हो चुका है, पीछे वाले कूलिंग कॉइल के दोनों साइड पे भी चेक हो चुका है जो कि पीछे वाले को कंडेंसर कॉइल बोलते हैं। अब एसी रन हो चुका है, एसी को उन्होंने स्टार्ट किया और अब गैस डालने का प्रोसेस हो रहा है क्योंकि गैस जो डाली जाती है वो एसी स्टार्ट करके ही डाली जाती है। अभी प्रेशर से इसको डाल रहे हैं, करीब 1 किलो के आसपास गैस डालनी है। अब ये सिल्वर रंग का जो पेंट होता है वो इसी सिल्वर रंग के एसी के तरह ही होता है। वो उसको जहाँ जहाँ भी इन्होंने वेल्ड किया है या जहाँ नहीं भी किया, आगे की जो कूलिंग कॉइल है, पीछे की जो कंडेंसर कॉइल है, उस पे इन्होंने ये वाला सिल्वर पेंट कर दिया ताकि अच्छा लगे। और ये भी एक कोटिंग होती है जिसकी वजह से लीकेज नहीं होती। जहाँ जहाँ भी इनको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई जंग है, जंग टाइप, यहाँ एसी वापस कमरे में लगा दिया गया है। और अब इसका एक बार दोबारा ये जो प्रेशर होता है चेक किया जा रहा है, 6-7 का एम्पियर अगर देता है तो कंप्रेशर इज रनिंग फाइन और गैस पूरी है। 6-7 का ही इन्होंने एम्पियर दोबारा से चेक किया गैस डालने के बाद। देखो 6-7, 6.5-7 के आसपास का एम्पियर आ रहा है तो गैस उसमें पूरी है, कंप्रेशर इज वर्किंग फाइन। तो आप देख सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ये कंप्रेशर छः एम्पियर का सात पे मीटर अब रहती है, तो वापस चेक करने के बाद 6-7 एम्पियर पे, जो और बता तीन दिया चार जाएगा। में नहीं। और नहीं, हमारी हमारी शुरू में चेकिंग करने पे कितनी थी? तीन एक तीन ये 7 के आसपास दो आ रहा तीन है, छः सात आ रहा छः सात 6.5 और 7। 6-7 मैक्सिमम मैक्सिमम होता है मैक्सिमम। ये जैसे 13 पर जाएगा ना तो ये काम करना बंद कर दो। जहाँ से